फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। कभी सोचा है अगर तुम उसे छोड़ देगी तो उसका क्या होगा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा, अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं का क्या होगा, का क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट विल बिकम ऑफ, व्हाट विल बिकम ऑफ। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं, इसके बाद आपको यूज कर देनी है व्हाट विल बिकम ऑफ, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। कभी सोचा है अगर तुम उसे छोड़ देगी तो उसका क्या होगा। Have you ever thought if you leave him, what will become of him? Have you ever thought if you leave him, what will become of him? अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा? If you don't talk to me, what will become of me? If you don't talk to me, what will become of me? अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा? If he doesn't come here, what will become of us? If he doesn't come here, what will become of us? Second advanced structure. उसका ध्यान कहाँ है? वो मोबाइल में डूबा हुआ है। मेरा बेटा हमेशा पढ़ाई में डूबा रहता है। आजकल रवि पैसे कमाने में लगा हुआ है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं खोया हुआ या फिर डूबा हुआ, या फिर इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं मगन होना। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं एनग्रस्ड इन, एनग्रस्ड इन। एनग्रस्ड इन को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आजकल रवि पैसा कमाने में लगा है, या फिर इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं आजकल रवि पैसे कमाने में डूबा हुआ है, या फिर आजकल रवि पैसे कमाने में खोया हुआ है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रवि इज एनग्रस्ड इन अर्निंग मनी नाउअडेज, रवि इज एनग्रस्ड इन अर्निंग मनी नाउअडेज। आप चाहे तो नाउअडेज को पहले भी यूज कर सकते हैं। उसका ध्यान कहाँ है? वो मोबाइल में डूबा हुआ है। वेयर इज हिज इंटेंशन? ही इज एनग्रस्ड इन मोबाइल, वेयर इज हिज इंटेंशन? ही इज एनग्रस्ड इन मोबाइल। मेरा बेटा हमेशा पढ़ाई में डूबा रहता है। माई सन इज ऑलवेज एनग्रस्ड इन स्टडीज, माई सन इज ऑलवेज एनग्रस्ड इन स्टडीज।